हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार स्कूल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं हिंदुस्तान मोटर्स की कॉन्टेसा का। फुली मॉडिफाइड कार है और ये हैं कार के ओनर पीयूष अंबावत भाई। हेलो। तो ये आपको कार के बारे में सब कुछ बताएंगे जी। भाई ये कार आपने कब ली थी? मैंने 2013 के नवंबर में ली थी ये कार। अच्छा, नवंबर में ली थी 2013 में जी। और यही कार क्यों चुनी आपने मॉडिफिकेशन करवाने के लिए? जब मैं छोटा था तो तब मैं अमिताभ बच्चन की मूवी देखता था, तो अच्छा। उसमें वो ड्राइव करता था, लंबी लंबी गाड़ियाँ होती थी, इसलिए मुझे तब से पसंद है। तब से आपकी ड्रीम कार बन गई बचपन की कि यही कार लेनी है? मुझे पसंद था कि हाँ मैं जब बढ़ाऊँगा तो ऐसी यही कार लूँगा मैं। तो भाई आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराया कार के अंदर? इसमें मॉडिफिकेशन एलॉय व्हील्स इसमें लगवाए हैं, LED लाइट्स लगाई हैं। अच्छा। और इंटीरियर में मॉडिफिकेशन बकेट सीट वगैरह लगाई हैं इसमें। अच्छा। और बेसिकली मैंने बॉडी से कोई मतलब उसमें टच नहीं किया ज़्यादा। हाँ। बॉडी शेप मैंने वही रखा, उसमें कोई चेंज नहीं। मतलब मेन बॉडी से आपने कोई वो नहीं किया? नहीं, कोई चेंज, क्योंकि जो अब आने वाली आगे जनरेशन है, एटलीस्ट वो देख सके कि हाँ 1980s में ऐसी गाड़ी होती थी, हमारी गाड़ी में इंडिया में इतनी स्टाइलिश कार थी पहले। हाँ, अब तो देखने को ही नहीं मिलती। अब तो देखने को ही नहीं मिलती है। ली थी वैसे 50,000 की। अच्छा। और उसके ऊपर से फिर 4.5 लाख के आसपास में, तो 4.5 लाख आपने सिर्फ मॉडिफिकेशन में लगाया इसमें। हाँ, पूरा अंदर से बाहर सारी गाड़ी रिस्टोर हुई है, पेंट जॉब और एलॉय व्हील्स, LED लगी हुई है इसमें। अच्छा, तो चलो अब आपको कार की एक झलक दिखाते हैं। तो अब भाई से पूछते हैं कि कार का मेंटेनेंस वगैरह कितना है। तो भाई साल में कार का कितना मेंटेनेंस है साल का? नॉर्मली अब इसका वर्कशॉप तो है नहीं कहीं भी। हाँ, क्योंकि HM काफ़ी टाइम पहले बंद हो गई। हाँ। और अब भारी मैं मैकेनिक पे सर्विसिंग वगैरह कराता हूँ इसकी। अच्छा, तो कॉस्ट कितना आ जाता है सर्विसिंग का? सर्विस का वही मतलब 2,500 रुपये। 2,500 रुपये का कॉस्ट आ जाता है। ऑयल वगैरह सारा चेंज करा रहे हैं, गियर ऑयल, इंजन ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल वगैरह, तो 5,000-6,000 हो जाता है। 5,000 हो जाता है। और पार्ट्स वगैरह ढूंढने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, पार्ट्स में बहुत स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नोएडा में तो यहाँ तो कोई इसका पार्ट्स अवेलेबल हो ही नहीं पाता। तो फिर कहाँ से लेके आते हो पार्ट्स? कलकत्ता से पार्ट इंपोर्ट कराना होता है वहाँ से। अच्छा, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस पड़ जाता है आपको साल का इसका? नहीं, अगर अभी न्यू कार्स को देखो तो उसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है मेंटेनेंस। हाँ, उनके अकॉर्डिंग काफ़ी कम है इसका। तो भाई का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, भाई को फॉलो कर लेना। कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो अब हम आपको कार दिखाते हैं। अच्छा पीयूष भाई, सबसे मेन क्वेश्चन तो वही क्या जी? पूछो। कोई आदमी मारुति 800 ले या मर्सिडीज़ ले, उसका सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि ये माइलेज कितना देती है? माइलेज जब मैंने स्टार्टिंग में गाड़ी ली थी, नॉर्मल व्हील्स थे इसमें। अच्छा, 13 इंच के। हाँ। तो तब इसका माइलेज था 10-11 का। अच्छा, जब 10-11 का। और अभी मैंने इसमें एलॉय व्हील डला दिए, मतलब काफ़ी वाइड टायर्स हैं। हाँ, हाँ। और एग्जॉस्ट इसमें लगाया है, तो तब से मतलब एवरेज बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया, 4-5 का अभी एवरेज दे। 4-5 का एवरेज दे दिया ये जी। और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है कि पेट्रोल पर चला रहे हो इतनी? शौक बड़ी चीज़ है। शौक बड़ी चीज़ है। और CNG क्यों नहीं लगाते आप इसमें? नहीं, CNG नहीं लगानी इसमें। CNG नहीं लगानी, पेट्रोल जो, क्योंकि जो इसका पिकअप वगैरह है वो पेट्रोल में अच्छा रहता है। हाँ, और शौक के सामने पैसे कहाँ देखे जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कईयों ने मुझसे क्वेश्चन भी करा है कि भाई डिग्गी खोल के दिखाना, CNG लगी हुई है। अच्छा, तो लगता है कि इतनी बड़ी गाड़ी ले रखी है तो CNG तो लगी होगी ऑब्वियसली। वैसे भी लोग मर्सिडीज और उसमें भी एकॉर्ड में भी CNG लगा। हाँ, मर्सिडीज एकॉर्ड में आजकल हर कोई CNG लगा के sun to dream। हिंदुस्तान कॉन्टेसा 1984 में लॉन्च हुई थी और 2002 तक कंटिन्यू रही है ये। इसका प्राइस स्टार्ट होता था 4,90,000 से और जाता था 5,50,000 तक। अपने टाइम की सबसे ज्यादा लग्जरी कार्स में गिनी जाती थी कॉन्टेसा, और इंडियन मसल कार भी थी ये।
कॉन्टेसा का डिज़ाइन बेस्ड है ब्रिटिश कार वैक्सॉल विक्टर पे, जो कि 1972 से 1978 तक कंटिन्यू रही है। सेफ्टी के अंदर हमेशा मिलता है साइड इंपैक्ट बीम और लेमिनेटेड विंडशील्ड। इसुजु इंजन वाली कॉन्टेसा को कॉन्टेसा क्लासिक कहते हैं और ये रियल व्हील ड्राइव कार है। ये जो आप कार देख रहे हैं ये काफ़ी सारे सॉन्ग्स में यूज हो चुकी है और उनमें से कुछ सॉन्ग्स के नाम है गुड़गामे वाली, द हरियाणवी मैशअप 6 और द घाघरा मैशअप। और ये जो आप कार देख रहे हैं ये इंडिया की फर्स्ट स्मोक कार भी है। तो अब हम आपको इसकी कुछ वीडियोस दिखाते हैं नाइट की और स्मोक की। तो ये थी इसकी कुछ वीडियोस रात की और लाइटिंग की। यह है इसकी ड्यूअल हेलोजन हेडलैम्प सर्कुलर डिज़ाइन में, काफ़ी स्टाइलिश लुक है। कुछ ऐसी दिखती है इसकी ग्रिल और ये क्रोम फिनिश के साथ बम्पर। यह है इसकी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, आफ्टर मार्केट है ये भी। और कुछ ऐसी दिखती है इसकी ग्रिल। ये हिंदुस्तान मोटर्स की बैजिंग। कुछ ऐसी दिखती है कार साइड से और इसमें हमें कंपनी से मिलते हैं 13 इंच के स्टील व्हील्स और ये आप 18 इंच के अलॉय व्हील्स देख रहे हैं, जिनकी वजह से कार को काफी स्टाइलिश लुक मिल गया है। ये है इसके टायर का साइज। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं हमें इसमें। ये हैं इसके वाइपर। कुछ ऐसी दिखती है इसकी रूफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कार पीछे से भी काफी स्टाइलिश लगती है। यह है इसकी हेलोजन टेल लैंप। हिंदुस्तान मोटर्स का लोगो। यह है इसका क्रोम फिनिश के साथ बम्पर।
इसमें हमें मिलती है 148 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 1270 kg का कर्व वेट है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें बड़े टायर्स लगे हुए हैं। यह है इसका आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, काफ़ी अच्छी साउंड है इसकी। अब इसका बूट खोल के देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट। इसमें हमें मिलता है 600 लीटर का बूट स्पेस, काफी बड़ा बूट मिल जाता है। यह है इसकी बेस ट्यूब, JBL की लगी हुई है, 1250T मॉडल है, और ये एम्पलीफायर, ये डिक्की लाइट। यहां से डलेगा इसमें पेट्रोल, ब्लैक और रेड कलर की लेदर अपॉल्स्ट्री से कार का इंटीरियर भी मॉडिफाई किया गया है। कुछ ऐसा दिखता है इसका पैसेंजर साइड डोर अंदर से। ये लॉक हैंडल, इस पे हमें क्रोम फिनिश मिल जाती है, और ये क्रोम लाइनिंग गेट्स पे, एस्ट्रे, ये डोर हैंडल, कुछ ऐसी दिखती है कार अंदर से। यह है इसकी ब्लैक और रेड कलर की लेदर अपॉल्स्ट्री। ये पिलोस और स्पीकर, पिलो भी सेम कलर के लिए गए हैं, और ये रूफ भी मॉडिफाई की गई है। गाड़ी के अंदर लेग स्पेस हमें काफी अच्छा मिल जाता है। ये सीट पॉकेट्स, थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है, और कुछ ऐसा दिखता है पैसेंजर साइड डोर अंदर से। कुछ ऐसा दिखता है कार का डैशबोर्ड और टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ओरिजिनल स्टीयरिंग व्हील है इसका ये। हम्प काफी बड़ा मिलता है, पर तीन लोगों को बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर अंदर से। ये लॉक हैंडल, डोर्स पे क्रोम लाइनिंग, डोर हैंडल और आर्म रेस्ट, थोड़ा सा स्पेस। कुछ ऐसे दिखती है कार अंदर से। ये इसका सीट एडजस्टर, ये स्मोक मशीन के कंट्रोल्स, पैडल्स, ये लाइट के कंट्रोल्स, और यहां से खुलेगा इसका बोनेट, इसको खींचने से बोनेट खुल जाता है। ये हैं एसी के कंट्रोल्स, एसी वेंट और वार्निंग लाइट्स।
expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. कुछ ऐसा दिखता है इसका स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड. सेंटर में हमें हिंदुस्तान मोटर्स का लोगो मिल जाता है. ये हॉर्न एसी वेंट. सेंटर में हमें तीन एसी वेंट मिलते हैं. यह है इसका आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम. यह इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन. इस पे रेड कलर की लेदर अपोल्स्ट्री लगी है. ये एस्ट्रे मैनुअल हैंड ब्रेक और यह है आफ्टर मार्केट हैंड रेस्ट. अंदर आईफोन रखा है. पैसेंजर साइड एसी वेंट और यह है इसका ग्लव बॉक्स. कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का पैसेंजर साइड डोर अंदर से. ये विंडो हैंडल. कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. इसमें हमें शो करता है फ्यूल, इंजन हीटिंग. ये है इसकी वार्निंग लाइट्स और इधर शो करेगा स्पीड और एक ओडोमीटर मिल जाता है. यह है इसका आफ्टर मार्केट रियर व्यू मिरर. ये रीडिंग लाइट, ये भी आफ्टर मार्केट है. अब इसका बोनट खोल के दिखाते हैं आपको. ये इंडियन फ्लैग और अंबावत लिखा हुआ है. कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन. इसमें हमें मिलता है 1.8 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर SOHC वाटर कूल्ड इसुजु 4Z P1 पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है 85 PS की पावर और 135 न्यूटन मीटर का टॉर्क. 65 लीटर के फ्यूल टैंक से ये हमें माइलेज देती है 11 से 13 के बीच में और ये वाली जो है ये माइलेज देती है 4 से 5 के बीच में क्योंकि इसमें बड़े टायर्स लगे हुए हैं. और इसमें आफ्टर मार्केट एसी लगा हुआ है और ये है एसी का कंप्रेसर. और जैसा कि आप देख सकते हैं इंजन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है. ये इसुजु इंजन की बैजिंग. कार को काफी अच्छे तरीके से रिस्टोर किया गया. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं हमें वीडियो आपको कैसी लगी.